मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि भारत में एक्सपायर हो चुकी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब सरकार ने इसका जवाब दिया है। तो ये जानते हैं कि सरकार ने क्या दिया है इसका जवाब। मैं हूँ साहिल व्यास, आपका स्वागत है 3D मीडिया में। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया है जिनमें लोगों को एक्सपायर हो चुकी वैक्सीन लगाने का दावा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन खबरों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। मंत्रालय ने बताया कि नेशनल रेगुलेटर ने 22 फरवरी 2021 को कोविशील्ड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाकर 6 महीने से 9 महीने कर दिया था। इसी तरह सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 25 अक्टूबर 2021 को कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ के विस्तार की मंजूरी दी थी। इसे 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने तक किया गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के लेटर नंबर BBILRA 21567 के जवाब में ऐसा किया गया था। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की ओर से उपलब्ध कराए गए डेटा के एनालिसिस और टेस्टिंग के आधार पर नेशनल रेगुलेटर वैक्सीन की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। सरकार ने ऐसे टाइम में ये गलतफहमी दूर की है जब 15 से 18 साल की उम्र के टीनेजर्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इसके अलावा देश में कोरोना के केस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं हूँ साहिल व्यास, 3D मीडिया।